आज जब ये रजत साहब जब ये आप ये कार्यक्रम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे कि मुसलमान मुस्लिम लीग है। अरे मुस्लिम लीग के दलाल तो आप हो। जो टू नेशन थ्योरी है उसके लिए हमेशा जिम्मेदार माना जाता है मुस्लिम लीग को और जिन्ना को। लेकिन मुसलमान तो ये कभी मांग कर ही नहीं सकते ना कि हिंदू को यहां से निकालो, वो तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमसुल इस्लाम, जो कि रिटायर प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाते थे और काफी अच्छे एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने कि पिछले 40 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं आरएसएस के ऊपर। आरएसएस के ऊपर उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, इसके अलावा कई सारे और विभिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सर की एक खास किताब है ये, नो दी आरएसएस, आरएसएस को पहचाने उनके दस्तावेज के आधार पर। इस किताब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी से मैं कहूंगा कि अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको मेरा जो काम है ये पसंद आता है तो आप लोग मेरी आर्थिक फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, उसके लिए भी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्वागत है शमसुल इस्लाम जी आपका। जी जी जय जय भीम इनकलाब जिंदाबाद आप सबको। जी इनकलाब जिंदाबाद सर। मेरा सर मैं शुरुआत इसी प्रश्न से करूंगा कि ये इस किताब का आपने इससे पहले 13 एडिशन आप प्रकाशित कर चुके हैं, 14 एडिशन है, 14 एडिशन है, क्या जरूरत है ये किताब लिखने की? आरएसएस को इतना महत्व क्यों दिया जाए? हम आरएसएस को समझे ही क्यों? क्या जरूरत है उसको समझने की? देखिए, एक विडंबना और एक बहुत शर्मनाक चीज अगर हम समझ लेंगे तो ये क्यों जरूरी है, और ये आजादी के बाद ही, खास तौर पर गांधी जी की हत्या के बाद ही, जिसमें आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग थे, यानी उनका हिंदुत्ववादी राजनीति जो आरएसएस भी जिसका झंडा बरदार है और हिंदू महासभा भी जिसका झंडा बरदार है, उससे जुड़े हुए लोग थे, उसके बाद ये दस्तावेज बाहर आनी चाहिए थी। और आज तो खास तौर पर बहुत जरूरी है, इसलिए कि सारी दुनिया के अंदर आज का जो आधुनिक, जो जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और खास तौर पर हमारा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जिसका एक संविधान जो बाबा साहब के नेतृत्व में बना था, जो उस जमाने का एकमात्र समतामूलक, बराबरी वाला, न्याय देने वाला और जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करने वाला, हाँ, और छुआछूत को गैर कानूनी करार देने वाला, एक व्यक्ति एक वोट का संविधान देने वाला, उसमें एक ऐसा गिरोह हमारी हमारे संविधान और हमारे जो कानून है और हमारी जो चुनाव की पद्धति है उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर वो पावर में आया है, और वो कितना खतरनाक है उसका मैं बताना चाहता हूं कि 12 जुलाई 2013 को जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने राइटर्स, जो दुनिया की एक बड़ी न्यूज एजेंसी है इंग्लैंड की, उनको इंटरव्यू, जब उनसे पूछा गया कि आपकी पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। अच्छा, मैं हिंदू जी, ये यानी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सो मोटो नहीं लिया, अखबारों ने, वो तो सब ऊंची जातियों के हाथों में है, मीडिया ऊंची जाति के हाथों में है, और मोदी उस वक्त सबके प्रिय थे, सारी दुनिया के प्रिय थे, अमेरिका के भी बहुत वो थे, वो प्यारे थे, तो उसी दिन राष्ट्रपति ने इनको डिसमिस कर देना चाहिए था, क्योंकि जब अगर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, उन्होंने साफ कहा कि मैं आरएसएस का सदस्य हूँ, वो आप इंटरव्यू आप गूगल पे डालिए, रॉयटर्स का इंटरव्यू, ये बहुत जमाने के बाद उन्होंने पहली बार गांधीनगर अपने घर से दिया था, और ये घर पर कहा जाता है कि ये पहले दो पत्रकार थे विदेशी जिनको उन्होंने दिया था, आने दी। था अपने यहाँ। ठीक जी, हाँ जी जी, वो आप गूगल में डालकर देखेंगे तो आपको हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो और चीजें पता लगी कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर जो ज्यादातर सदस्य हैं, जो ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो ज्यादातर गवर्नर्स हैं, वो सीधा बोलते हैं हम आरएसएस के मेंबर हैं, वो हम आरएसएस के मेंबर हैं,
तो आरएसएस क्या है उसको समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आरएसएस को अगर गांधी जी की हत्या के बाद ही उनके ये सारे क्रिमिनल राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी दस्तावेज अगर हमारे सामने आते हैं तो मोदी जी ये होते नहीं, ये कहने के लिए चीफ मिनिस्टर बनने के लायक नहीं होते, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होते। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। एल के अडवाणी ये नहीं कहता था कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हूँ मैं, वो ये कहते थे हम हिंदुत्व को एक दर्शन मानते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि वो हिंदू राष्ट्रवादी है। देखिए रजत, इसमें एक बड़ी खतरनाक चीज है, जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो इसका और वो उसके सबूत दे रहे हैं, रोज रोज बराबर सबूत दे रहे हैं कि वो हिंदू पहले हैं, और जो उन्होंने शपथ ली है कि मैं इस पूरे देश के संवैधानिक ढांचे को, इस देश के डेमोक्रेटिक सेकुलर ढांचे को, एगलिटेरियन ढांचे को, बंधुता बनाए रखने की, बहनचारा बनाए रखने के ढांचे को मैं बनाकर रखूंगा, तो वो तो हिंदू धर्म के प्रचारक के तौर पर ज्यादा वो काम कर रहे हैं। और जब ये बोलते हैं कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ और मैंने मुझे जो है जो नेता बनने के जो सारे गुण दिए मुझे गोलवलकर जी ने दिए, गोलवलकर जो आरएसएस के सबसे प्रमुख वो हैं, आइडियोलॉग हैं, और आरएसएस उनके बिना चल नहीं सकती है, और जिसको अपना रामचंद्र गोहा जो है जिनको गुरु ऑफ हेट भी कहते हैं। गुरु ऑफ हेट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, गुरु ऑफ हेट दलितों के खिलाफ भी, औरतों के खिलाफ भी उनका उनका जो सारा समझ है। तो हमने आरएसएस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब आप समझ जाएंगे आज, जब ये रजत साहब जब ये आप ये कार्यक्रम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे कि सारी दुनिया में एक उदाहरण है कि जो लोग जिस व्यवस्था की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, उसकी चिता सुलगाने की बात कर रहे हैं, वो राज कर रहे हैं। यानी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जो जिस संविधान की नींव खोदना चाहते हैं, उसकी कब्र खोदना चाहते हैं, उसके उसूलों में विश्वास ही नहीं करते, उसका उल्टा करते हैं, वो राज कर रहे हैं। ठीक सर, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी। ठीक, इसमें सर आपने एक चैप्टर दिया हुआ है काउ एंड आरएसएस, इसके अंदर एक आपने टॉपिक दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ बीफ ईटिंग, जो गाय का जो मांस खाने का जो इतिहास है उस पर आपने कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं चाहूंगा कि वो आप दर्शकों के लिए बताएं, क्योंकि ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ, और देखिए ये इस देश के जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं और ये कहते हैं कि हम पूरा लिबरलिज्म और इसको मानते हैं, ये इस सरकार ने, इस सरकार के हाथ, तो मोदी सरकार के आने बाद आप जानते हैं कि कितने लोगों को मारा गया है गाय के नाम पर, कितने लोगों को मारा गया है, और दलितों से शुरू हुआ और वो मुसलमानों का वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। और हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये 15 साल पहले की बात है जब विश्व हिंदू परिषद के ने डिफेंड किया था उनको, जब झज्जर के अंदर दलित बच्चे, 4 या 5 दलित बच्चे जिनके पास लाइसेंस था गाय का खाल उतारने का, और ये शूद्रों से, शूद्र जिनको बोलते हैं, जिनको दलित बोलते हैं, उनको उनसे ये काम कराया जाता है ना, उनसे उनको मारा था। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो बाढ़ आई लिंच करने की, है ना, मैं अभी सारा सिद्धांत की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन उसमें इनकी ढकोसलेबाजी और इनका खुला नंगापन, मतलब बेईमानी और गुंडेपन का नंगापन, भाई गाय के साथ अगर कोई मुसलमान दिखेगा या मतलब गाय कटा हुआ गाय के वध के साथ दिखेगा तो वो तो आप मार ही देंगे, अगर वो लेकर भी जा रहा है तो उसको आप लिंच कर देंगे। आप दलित बच्चे जो है, जो अगर उसकी खाल उतार रहे हैं, जो उसका लाइसेंस है मुर्दा की, तो आप उनको मारेंगे। अभी ऊना का आप जानते हैं, गुजरात में जो हुआ था, है ना। लेकिन आप क्या ये इनसे कोई पूछ सकता है, इन क्रिमिनल से कोई पूछ सकता है कि आरएसएस की जहां सरकारें चल रही है गोवा में, आरएसएस की जो सरकार चल रही है कर्नाटका में, आरएसएस की जो सरकार चल रही है आरएसएस की समर्थन से और कई जगह, तो आरएसएस बीजेपी का मतलब है आरएसएस, यानी इसको आप समझ लीजिए। आरएसएस का जो किताब है परम वैभव के पथ पर, उसमें उन्होंने साफ बताया कि ये हमने स्थापित किया अपना राजनीतिक
संगठन और राजनीतिक कामों को पूरा करने के लिए, जैसे विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने माइनॉरिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया है, बजरंग दल को एक एक ग्रुप बनाया जो मार पिटाई और ये सब करेगा, है ना। तो ये सरकारी तौर पर गाय कट रही है। आरएसएस का मुख्यमंत्री है गोवा का, आरएसएस का मुख्यमंत्री है कर्नाटका का, आरएसएस से जुड़े हुए सारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के अंदर राज कर रहे हैं। भाई आप सबसे पहले तो ये जो बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जाके उनको लिंच करें। इसी के साथ सर ये भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए अपने हम सभी लोगों को कि इसी इन्हीं 8 सालों के दौरान भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है जी बीफ में, और उसको बीफ में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है, और उसमें जो 5 कंपनियां हैं सबसे बड़ी उसमें एक को छोड़कर 4 के 4 हिंदू हैं, और यहां तक है कि जैन्स भी हैं। कहा जाता है कि ओसवाल्स की भी कंपनी है ना, वो डेटा वो है उसमें उसमें कौन है कौन नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर है। कोई भी गूगल पर सर्च कर सकता है बीफ की जो कंपनियां हैं, टॉप 5 कंपनियां सर्च कीजिएगा, तो उसमें कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ जैन धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, और एक आध कोई मुसलमान है। हाँ एक मुसलमान है, एक कुरैशी कोई है, लेकिन वो शायद आजकल जेल में है या क्या है, क्योंकि उनसे हिसाब किताब किया जा रहा है। वैसे वो मुझे जहां तक जानकारी हो बीजेपी के समर्थक भी थे एक जमाने में, लेकिन हिंदू मुसलमान करने के लिए करना होता है। मजे की बात यह है रजत कि ये एक झूठ फैलाया गया कि मुसलमान और ईसाइयों के आने से गांववाद शुरू हुआ है ना। और इसको फैलाने वाला था गोलवलकर ने ये कहा कि 1968 में मैं उनका सीधा डेट आपको बता रहा हूं, ये 1968 में उन्होंने सॉरी 1964 में एक भाषण करते हुए उन्होंने कहा, इसका प्रारंभ हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के साथ हुआ। लोगों को गुलामी के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदुओं के आत्मसम्मान से जुड़ी हर चीज का निरादर करो, इसी सोच के चलते गौवध भी शुरू किया गया। यानी मुसलमानों ने आकर गौवध शुरू कराया और ईसाइयों ने आकर गौवध शुरू कराया। अच्छा अब यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये उठता है, भाई अगर मुसलमानों ने शुरू कराया और ईसाइयों ने शुरू कराया तो आप दलितों को क्यों मार रहे हो? आपका जो बाप है, जो हिंदुत्व का जो बाप है, जो आरएसएस का गुरु है, आरएसएस का दादा है ना, वो तो कह रहा है कि मुसलमान और ईसाइयों के आने के बाद शुरू हुआ। अच्छा अब जरा सा हम जिन स्क्रिप्चर्स को, जिन किताबों को हम हिंदू नैरेटिव कहते हैं, हिंदू कथानक कहते हैं, यानी वो हिंदू शब्द था नहीं था वो छोड़िए, जिसको हम ब्राह्मण कथानक, ब्राह्मण धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्र है जी, अगर हम उसको कहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी को तो बहुत बड़ा हिंदुत्व का वो मानते हैं, और एबीपी वाले आरएसएस वाले सारी यूनिवर्सिटीज में 2 काम कराना चाहते हैं, तो विवेकानंद जी की मूर्ति रखवाना चाहते हैं और एक टैंक ले आना चाहते हैं। एक हिंदुत्व का विचार और एक मर्दानगी, हिंदू राष्ट्रवाद मर्दानगी है ना जी, तो वो एक टैंक रहेगा और हर जगह विवेकानंद जी रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बदमाशी है, छत्रम राष्ट्रवाद कह के ये तो बहुत हल्का है। अच्छा। ये गुंडागर्दी है, ये लफंगापन है। ये आज अगर विवेकानंद जी आ जाए जो आप सुनेंगे, वो आधा मिनट नहीं रह सकते, उनको लीच कर देंगे हिंदुत्व के लोग। जरा सुन लीजिए, वो भाषण कर रहे हैं 2 फरवरी 1900 को और अमरीका में बोल रहे हैं, कैलिफोर्निया में, और टॉपिक है बुद्धिस्टिक इंडिया, ठीक है जी, बुद्धकालीन भारत। मैं जो अपने साथी जो सुन रहे हैं उनको बता रहा हूं कि ये वाली किताब जो है हिंदुस्तान की लगभग सारी भाषाओं में, देखिए हिंदी में है, पंजाबी में है, उर्दू में है, अंग्रेजी में है, बंगला में है, मराठी में है, हा? और मलयालम में है। आपको हिंदुस्तान की जिस जबान में चाहिए उस जबान के अंदर मिल जाएगी, इजीली
जी मिल जाएगी जी। तो वो भाषण करते हुए क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, जरा मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, और खास तौर पर जो मुसलमानों को हमेशा वो जलील करते हैं और दलितों को कि तुम गाय का ये करते हो, उनको पूछो कि तुम्हारे बाप तुम्हारे जो गुरु हैं वो क्या कहते थे। उन्होंने, मैं सीधा कोट कर रहा हूँ उनका, अंग्रेजी का भाषण उनका, उनका जो विवेकानंद जी का वॉल्यूम 3 है अंग्रेजी का, उसको 536 पेज से मैं अनुवाद करके आपको सुना रहा हूँ। आप अचंभित रह जाएंगे यदि प्राचीन वर्णों के आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं जो बीफ नहीं खाता है। जी महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना वो उसे खाना चाहिए। ठीक है जी। और यही एक संदर्भ नहीं है, दसियों संदर्भ हैं, लेकिन मैंने एक दूसरा जो चुना है उसमें स्वामी विवेकानंद मदुरा में तमिलनाडु में एक ब्राह्मण सभा के अंदर बोल रहे थे। जरा सुन लीजिए जनाब वो भी। और ये विवेकानंद जी का जो हिंदी का पंचम पांचवा खंड है उससे मैं उनकी ही भाषा बोल रहा हूं मैं। इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गौ मांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था। तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा मकान में आता था तब उसे पुष्ट बैल, तब सबसे पहले पुष्ट बैल मारा जाता था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हम कृषि जीवी जाति हैं इसलिए अच्छे अच्छे बैलों को मारना हमारी जाति के विनाश का कारण है। जरा मैं ये बात खत्म कर दूं फिर ये कैसे गौवध रुका था उसको भी मैं आपको आपको बताना चाहता हूं। ठीक, ठीक। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो अद्वैत आश्रम हिंदू धर्म की व्याख्या की रिसर्च के लिए किया था जिसके 7 वॉल्यूम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो हमको जरूर पढ़ना चाहिए, जो दलित आंदोलन में जो बाबा साहब के संविधान को करना चाहते हैं, मोटे मोटे हैं लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे रामायण और महाभारत जो है किसी एक ही वक्त में लिखी गई थी, ये स्वामी विवेकानंद के रिसर्च स्कॉलर जो वो कह रहे हैं कि वो 700-800 साल के अंदर लिखी गई थी। खैर हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं। उसमें लिखा है, उसमें विवेकानंद जी का कुन्हन राजा बहुत मशहूर इंडोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका लेख छापा है विवेकानंद जी की संस्था ने। वैदिक आर्य जिनमें ब्राह्मण भी शामिल थे मछली मांस यहाँ तक कि बीफ भी खाते थे। एक सम्मानित अतिथि के अतिथि सत्कार में बीफ परोसा जाता था। हालांकि वैदिक आर्य बीफ खाते थे लेकिन उसके लिए दुधारू गायों का वध नहीं किया जाता था। ऐसी गायों के लिए अघन्य या अधन्य जिन्हें मारना नहीं है का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक अतिथि गोगना या गोधना भी कहते हैं उसको, जिसके लिए गौवध किया जाना है माना जाता था। उस समय केवल बैल बाज गाय और बछड़ों का वध किया जाता था। राजा जी जो बात इंपॉर्टेंट समझने की है कि आपके यहाँ मेहमान आएगा, आपका दामाद आएगा, आपके यहाँ भगवान आ गए, ऋषि मुनि आ गए, इंद्र भगवान आ गए, जिसका जिक्र बाबा साहब ने किया मिलता है इसका। जी हाँ जी। तो आप गाय काटेंगे, अघन्य जो नहीं कटेगा, गोगना जिसके लिए आप काटेंगे। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि बाबा साहब से बड़ा रिसर्चर जो भी काम उन्होंने किया इंडियन मॉनेटरी सिस्टम पर, रिलीजन्स पर, बुद्धिज्म पर, इस्लाम पर, हिंदुइज्म पर, ब्राह्मणिज्म पर, जैनिज्म पर, सिखिज्म पर, इकोनॉमिक्स पर, मौलिक अधिकारों पर, जो भी काम किया रिसर्च बेस्ड पार्टीशन पर, उनसे बड़ा रिसर्चर पैदा नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा साहब की सिर्फ मूर्ति मत लगाइए, बाबा साहब की सिर्फ तस्वीर मत लगाइए, बाबा साहब का एक लेख पढ़िए, डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ इन एंशियंट इंडिया। बाबा साहब ने सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को, सारी स्मृतियों को, मनुस्मृति को लेकर सारे कोट किए हैं कि इंद्र के लिए 3,000 गायें काटी गई हैं। हाँ। संख्या कुछ अलग हो सकती है, काटी जाती थी। और बाबा साहब ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, हिंदू झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि इन्होंने गाय नहीं खाई या गाय का वध मुसलमानों के आने से शुरू हुआ। लेकिन एक बात जो हमारे बहुजनों को समझने की है और बहुत जरूरी समझने की है कि गाय वध को रोका गया जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने पर। समझ लीजिए इसको, ब्राह्मणों ने नहीं रुकवाया इसको। जो आज अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके माँ बाप, उनके उनके ऋषि मुनियों ने नहीं रुकवाया। ये तीर्थंकर जो थे, ये श्रवण जो थे,
जो हमारे हम सबसे बड़े बोध हैं उधर महावीर हैं, ये जब आए तो एक कृषि समाज पैदा हो रहा था जिसमें आपको जानवरों की उसमें उपयोगिता थी, जरूरत थी, है ना। और ये धर्म उस जमाने में पैदा हुए जब ब्राह्मण हर चीज में बलि चढ़ाते थे। मौसम अच्छा है बलि चढ़ाओ, मौसम खराब हो गया भगवान को खुश करने के लिए बलि चढ़ाओ, है ना। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा पंगा लिया उन्होंने ब्राह्मण वासी और वेदों से कि हम बलि नहीं होने देंगे, समझ गए। और नास्तिक का मतलब समझ लीजिए, नास्तिक उस वक्त बौद्ध धर्म मानने वालों को और जैन धर्म मानने वालों को कहा गया। नास्तिक का मतलब विधर्मी नहीं है, नास्तिक का मतलब है जो वेदों को नहीं मानता है। यानी वेदों को मानने का मतलब क्या है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, वो चढ़ावे में विश्वास नहीं करता, वो बलि में विश्वास नहीं करता। तो एक बात जिसको फखर से आपको कहना चाहिए कि गौ हत्या हमने रुकवाई थी, हम जिनकी औलादे हैं हमने रुकवाई थी, बहुजनों ने रुकवाई थी। हाँ, तो एक ये बड़ा झूठ जिसको अब बताइए, ये लोग राज कर रहे हैं इस देश पर, तो ये डॉक्यूमेंट हमको आजादी के बाद ही फौरन बता दे दिया जाना चाहिए था, नहीं? बाबा साहब का लेख यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए था, नहीं? विवेकानंद जी की ये बातें हमारी यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए और आज पढ़ाया जाना चाहिए इसे, ताकि ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और दलितों को जलील करते हैं और ये कहते हैं ये तो गाय मुर्दा गाय का वो करते हैं तो बड़े गंदे होते हैं, बड़े नीच होते हैं, तो अगर आप इसको पढ़ते तो पता लगता नीच कौन है। खैर, ये एक बहुत लंबी बहस है सर, ये एक बहुत लंबी बहस है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। ये आप सभी को, आप बहुत मुझसे ज्यादा आपको पता है कि इतने साल तक किसने सत्ता पर राज किया और उन्होंने क्या गलती की और उसका वो भुगत भी रहे हैं। अगर वो गलतियां नहीं करते तो हम रहे हैं, कांग्रेस कहां भुगत रहा है, भुगत तो हम रहे हैं, सभी भुगत रहे हैं। खैर, हम भुगत रहे हैं, वो एक लंबी बहस है। जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं, exactly. यहाँ मेवात के अंदर मुसलमान जो है गाय पालते थे, दूध बेचते थे, सब धंधा बंद हो गया है, राइट। कानपुर से चमड़े का पूरा व्यापार खत्म हो गया, बनारस से जो बनारसी साड़ी मिलती थी वो पूरा खत्म हो गया। वेलोर साउथ इंडिया में सबसे बड़ी टैनरीज थी, सब खत्म है। और हमारे चमड़े के काम से जुड़े हुए हमारे दलित थे वो सब चले गए। खटीक जो जिनका काम ही कसाईयों की तरह से जो मुसलमान हिंदुओं में होता है, खटीक सारा धंधा भीख मांग रहे हैं, सब खत्म हो गया। मेरा सर अगला प्रश्न आपसे आरएसएस के रिगार्डिंग ये है कि जो टू नेशन थ्योरी है उसके लिए हमेशा जिम्मेदार माना जाता है मुस्लिम लीग को और जिन्ना को, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्योंकि आपने आरएसएस के जो दस्तावेज हैं उनका अध्ययन किया है, तो उसके आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? जी रजत, बहुत शुक्रिया फिर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण और बहुत नाजुक मसले को उठाने का। और उसमें भी गौ हत्या को लेकर जिस तरह का झूठ आरएसएस वाले बोलते हैं उतना ही भयानक झूठ, यानी इनके जो झूठ है उसको सफेद झूठ जो बहुत भयानक झूठ माने जाते हैं वो भी हल्का पड़ जाएगा, वो भी काफी कम इनका दर्शाएगा कि ये कितना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं। देखिए, एक बात को ये समझ लीजिए, अभी हम जरा इतिहास में तो जाएंगे और एक बात मैं आपको बता दूं जो पहले भी आपने फरमाया था कि मैं आरएसएस का पर रिसर्च है, मेरा हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद पर भी रिसर्च है मेरा। अच्छा, मतलब मैं बेसिकली नेशनलिज्म का रिसर्चर हूँ, चाहे वो हिंदू नेशनलिज्म हो, चाहे क्रिश्चियन नेशनलिज्म हो, चाहे ईसाई, चाहे म्यांमार और श्रीलंका का जो बुद्धिस्ट एग्रेसिव नेशनलिज्म हो, चाहे वो हो, है ना। तो मैं उसको स्टडी करता हूँ और भारतीय उपमहाद्वीप में खासतौर पर, जैसे मैं अपने बहुजन साथियों को या जो हमारे इस चैनल के क्रिटिक भी हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मैं तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक्सपर्ट था, वहां महिलाओं के साथ और वहां के दलितों के साथ, वहां की नीची जातियों के साथ, मुसलमानों के बीच में ही जो होता है मैं उसका एक्सपर्ट था। और जब ये बाबरी मस्जिद वाला उसने शुरू किया यात्रा, तो मैं फिर कि मेरा देश भी पाकिस्तान बन रहा है, तो मैं उस पर फिर लिखना शुरू किया और ये सारे दस्तावेज जमा किए। मेरा जो राष्ट्रवाद पर, जो टू नेशन थ्योरी पर, जो भारत के संदर्भ में काम है, उसमें दो बातें हमारा दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए। नंबर एक बात यह है कि
इस सच्चाई का वर्णन करना, इस सच्चाई का जिक्र करना कि हमारे देश के अंदर 15 धर्म के मानने वाले रहते हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। ठीक, हमारी देश में 150 भाषाएं बोलने वाले रहते हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। हमारे यहाँ गोरे काले गंदुमी रंग के सब लोग रहते हैं, जुर्म नहीं है, है ना। तो जुर्म तब होता है, तब होगा जब ये कहेंगे कि हम ये गेरवा ही रहेगा या हरा ही रहेगा, बाकी साथ नहीं रह सकते हैं। तो जब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं तो हम इस सवाल को उठा रहे होते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ही धर्म धर्म राष्ट्रीयता को तय करता है, राष्ट्रीय आपका जो धर्म है वो आपकी राष्ट्रीयता को तय करता है, आपकी पहचान को तय करता है, और इसमें कोई दूसरे धर्म के मानने वाले नहीं रह सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बात साफ करना चाहूंगा, हालांकि हमारे सुनने वाले बहुत समझदार हैं, कि आप रजत हैं, है ना। रजत एक शख्स है, रजत एक परिवार में पैदा हुए हैं जो एक पेशा, कोई खास पेशा करते थे, ठीक है। रजत एक किसी जाति में पैदा हुए, क्योंकि जातियां तो बना दी गई हैं, जातियों में पैदा हुए थे। रजत का कोई पेशा है, रजत कोई एक भाषा या दो तीन भाषाएं जानते हैं, है? रजत का एक धर्म है, ठीक है जी। रजत के कुछ शौक हैं। अब आप रजत की शख्सियत की आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान कैसे तय करोगे? जो टू नेशन थ्योरी वाले हैं वो ये कहेंगे हम रजत का कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं देखेंगे, हालांकि ब्राह्मणवादी जाति को भी देखेंगे, लेकिन टू नेशन थ्योरी वाले क्या कहेंगे, हम रजत का कुछ नहीं जानते, ये बताइए कि वो किस धर्म के हैं। अगर वो बौद्ध धर्म के हैं तो बौद्ध राष्ट्रवादी हैं वो, अगर हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, मुसलमान है तो मुसलमान राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, वैसे मैंने बहुत बार कोशिश की अपने जिस्म पर तो कहीं पर भी देखने की, कहीं ठप्पा लगा हुआ हो, मेरे कान के अंदर नाक के अंदर कुछ लिखा हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने और दोस्तों से भी पूछा जो दूसरे धर्म वाले भी हैं कि भाई जरा देखिए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन खैर वो तय हो जाता है। तो मैं भी एक, मेरी माँ का नाम था सरदार बेगम, मैं पैदा हुआ एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, तो अब मैं एक लेखक हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, दलित आंदोलन में रहता हूँ, महिला आंदोलन में रहता हूँ, नुक्कड़ नाटक करता हूँ, तो अब मेरी पहचान क्या है? तो टू नेशन थ्योरी वाले कहेंगे कि तू मुसलमान है, मुस्लिम लीग ही कहेंगे तू मुसलमान है, तू मुसलमान राष्ट्रवादी है, हिंदू राष्ट्रवादी कहेंगे तू यहाँ नहीं रह सकता, तू यहाँ, ये सिर्फ हिंदुओं का देश है। दूसरी बात जो समझने की है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूरा पॉलिटिकल साइंस का एक आप समझ लीजिए एक बहुत बहुत जटिल चीज है, बहुत आसान करके रखने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मोदी साहब कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, एक मुख्यमंत्री के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पर, तो इसका मतलब वो साफ कह रहे हैं कि जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, जो बौद्ध है, जो जैन है, जो ईसाई है, उनका अलग, वो भी अलग राष्ट्रवादी है। तो ये देश को तोड़ने का काम मोदी जी ही कर देंगे। हालांकि उन्होंने एक चालाकी क्या की है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया, जो आज बौद्ध सिख और जैन मानने को तैयार नहीं। ठीक है, अच्छा ये बात इसको समझ ले कि जब कोई ये कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, मैं भारतीय राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी नहीं हूं, तो वो इस देश को तोड़ रहा होता है। जब आरएसएस कहता है कि ये हिंदुओं का देश है, तो आपने बाबा साहब की बात हम जब कंक्लूड करेंगे आएंगे, बिल्कुल यही बात बाबा साहब ने कहा, तो इसका मतलब है आप इस देश को तोड़ने का इंतजाम कर देते हैं। अब आ जाए जरा हम इतिहास पर टू नेशन थ्योरी के। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, और ये सब हमारी यूनिवर्सिटीज में और इसमें कांग्रेस के राज में पढ़ाया जाना चाहिए था कि सबसे पहले ये हिंदुओं का देश है, ये ऊंची जात के बंगालियों ने, जहां ब्राह्मणवाद के खिलाफ बड़ी जबरदस्त नौशूद्र आंदोलन और वो सब खड़ा हो रहा था, दलित आंदोलन खड़ा हो रहा था, तो वहां उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का देश है, और हिंदू भी आर्यंस का, यानी हिंदू का मतलब दलित नहीं होंगे, शूद्र नहीं होंगे, हिंदू का मतलब जो आर्यंस है,
और उन्होंने 1870s में 1857 के फौरन बाद उन्होंने हिंदू मेला लगाना शुरू किया, उन्होंने हिंदू हिंदू महानता को लेकर एक अखबार निकालना शुरू किया। ठीक है कि ये अभी अभी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते, अभी वो ये कह रहे हैं ये हिंदुओं का देश, बाकी इम्प्लीकेशंस बाद में उभरेंगे। इसी तरह से सर सैयद पैदा होते हैं, सर सैयद जो अंग्रेजों के दलाल हैं और बदकिस्मती से मुसलमानों का एक तबका है जो उनको बहुत रेनाइसा वाला नव जागरण वाला और ये सब कहता है, वो बहुत बहुत कट्टर दलाल थे अंग्रेजों के, और उन्होंने भी ये कहा कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना नहीं चाहिए क्योंकि अंग्रेज चले जाएंगे तो मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के रहमो करम पर रह जाएंगे, और हिंदू इस तरह की बात करना भी शुरू कर रहे थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मत लिखकर के मुसलमानों का राज खत्म किया, और हम वो जिस तरह का उन्होंने मुसलमानों की हिंसा के सीन उसमें लिखे हैं वो सीन तो आज भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सब हो रहा था। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि 20वीं शताब्दी में सबसे पहले टू नेशन थ्योरी देने वाले थे भाई परमानंद। भाई परमानंद जो हिंदू महासभा, आर्य समाज और कांग्रेस तीनों के लीडर थे, उन्होंने अपनी जीवनी में जो शायद 1906-1907-1908 की है, उन्होंने लिख दिया ये हिंदुओं का राष्ट्र है और मुसलमानों को अफगानिस्तान भेजना चाहिए। अच्छा, यानी अब उस समय पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं आ रहा, सीधा अफगानिस्तान भेज। ना ना अभी आ जाएगा, अभी हिंदू राष्ट्रवादी सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। आप पागल हो जाएंगे सुनकर, आप अगर इस इतिहास को जान लेंगे और अगर इसमें एक शब्द एक सच्चाई को अगर कोई गलत साबित कर दे तो जहां पर आप कहेंगे मैं अपना सर कलम कराने के लिए तैयार हो जाऊंगा, जहां पर आप कहेंगे मैं वहां आकर जो आप सजा देंगे मैं उसको देने को तैयार हो जाऊंगा, वो कहते हैं मुसलमानों को यहां से अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। उसके बाद बहुत बहुत फास्ट मैं चल रहा हूं, है ना, उसके बाद सन 1920-25 के अंदर लाला लाजपत राय का नाम हम सब जानते हैं, भारत का राष्ट्रवादी, महान राष्ट्रवादी, कांग्रेस के भी लीडर हैं, हिंदू महासभा के लीडर हैं, आर्य समाज के भी लीडर, हाँ जी, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को हमने बाहर कर देना चाहिए, लेकिन वो थोड़े इंसानियत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही, भारत में ही जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में, वहां हम एक नहीं 4-5 पाकिस्तान दे सकते हैं, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहली बार। ये लाला लाजपत राय के शब्द हैं, लाला लाजपत राय लेख लिख रहे हैं एक अंग्रेजी के बड़े अखबार के अंदर, एक किस्त में नहीं कई किस्तों में। मेरी किताब जो पार्टीशन पर है और हिंदू राष्ट्रवाद पर है वो आप देखें, और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पर पूरी ये बहस उर्दू हिंदी अंग्रेजी तीनों के अंदर है, जिस साथी को चाहिए मैं लिंक भेज दूंगा, और मैं ये फिर आपको बता रहा हूं कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर काम करता हूं, मैं अगर लाला लाजपत राय जी की बात कर रहा हूं तो उन्होंने जो कहा लिखा है उसकी बात कर रहा हूं, भाई परमानंद की जो बात कर रहा हूं, भाई परमानंद के किसी क्रिटिक उनके किसी आलोचक का नहीं ले रहा हूं मैं। और उसके बाद आप सुनेंगे एक बहुत बहुत क्रांतिकारी, मैं तो मानता ही था उनको, और थे भी हरदयाल, लाला हरदयाल ने सन 1925 के अंदर जिसको बाबा साहब ने अपनी किताब में कोट किया, ठीक, बाबा साहब ने अपनी किताब में कोट किया पार्टीशन वाली किताब में, रज्जत जी के यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमानों को मार पीट के सबको शुद्धि करके हिंदू बना लिया जाए, हिंदुओं का संगठन खड़ा किया जाए, ये आर्य समाज का कॉल ले लिया उन्होंने, उनकी शुद्धि कराई जाए, अफगानिस्तान के मुसलमानों की शुद्धि कराई जाए, शुद्धि कराई जाए यानी कि उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जाए, वापस नहीं, ये तो वापसी का भी चक्कर गलत है, उनको हिंदू धर्म में लाया जाए, जैसे जैसे ये पहले हिंदू थे ये झूठ है। भाई इस देश का जो लोग बाद में बौद्ध बने कोई जरूरी थोड़ी है वो हिंदू थे पहले। जैसी बात है, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, वो चारवाक के मानने वाले थे, वो एनिमिस थे, वो कुदरत की पूजा करते थे। अब जैसे आप बोले कि भाई हम जो है मुसलमानों की शुद्धि कर रहे हैं, तो शुद्धि को मतलब वो क्या कह रहे हैं, घर वापसी नहीं है,
घर वापसी तो वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को अगर ये घर वापसी करेंगे तो कोई जाति देना पड़ेगा, तो वो जाति की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो मुसलमान एक जो गुंडा जिस पे कई मुकदमे चल रहे हैं, जो मुसलमान से हिंदू हुआ है, उनका नाम जाति का था, नकविया क्या नाम है कुछ इस, रिजविया नकवी, जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए, नहीं नहीं वो तो यही वो आप जानते हैं ना बीजेपी के अंदर था कुछ वो। अच्छा, अभी उनका रिसेंटली एक बयान भी आया था कि उन्हें हिंदू धर्म में उतना सम्मान नहीं मिलता, उनका नाम याद नहीं, पता नहीं, हाँ ऐसा कुछ बयान आया था, त्यागी करके कोई है वो, लेकिन हाँ त्यागी थी वही, वो त्यागी, तो उनको त्यागी बनाया गया, उनको उनको त्यागी बनाया गया क्योंकि वो मुसलमान ऊंची जाति से आए थे, तो वहां त्यागी बने, ठीक है। लेकिन 99.9% मुसलमान तो लोअर कास्ट से हैं, राइट, उनका आप क्या करेंगे, है ना। तो लाला हरदयाल ने ये कहा, अगर आने वाली हिंदू पीढ़ियों को बचाना है तो मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करना होगा, लाला हरदयाल ने लिखा ये, ठीक। और कानपुर के अखबार में प्रताप के अंदर छपा ये, और बाबा साहब ने गलती से इसको प्रताप जो है लाहौर से छपता था ये लिख दिया उसके अंदर, है ना, ठीक। वो जो है वो प्रताप के अंदर है, उसकी ओरिजिनल ओरिजिनल आर्टिकल वो मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी सारा छोड़िए अभी, जरा हम आरएसएस और इनके जो बाप दादा हैं, इनके तुरंत वाले बाप और चाचा जो है उनके पास आ जाते हैं। सावरकर, सावरकर अंग्रेजों की दलाली करके 7 कम से कम माफीनामे लिख के बाहर आते हैं, 50 साल की जो उम्र कैद है, 25-25 साल की जो दो उम्र कैद है उसमें 10.5 साल पूरा करके ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये भी हम देश के लोग नहीं जानते हैं कि उनको 50 साल की सजा मिली थी और 10.5 साल में ये बाहर आ गए, ठीक। इन्होंने 1937 में हिंदू महासभा की अध्यक्षता, ये हिंदू महासभा में आ गए, जबकि ये छुटे थे इस आधार पर कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, है ना, मैं घर बैठूंगा। उनका 19वां अधिवेशन अहमदाबाद का 1937, मुस्लिम लीग का 23-24 मार्च 1940 से 3 साल पहले। फिलहाल हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र आसपास रह रहे हैं, कोई कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ मानकर गंभीर गलती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से ही एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है, या सिर्फ हमारी इच्छा होने से ही इस रूप में ढल जाएगा। आज ये कतई नहीं माना जा सकता, मैंने बीच में छोड़ दिया है, आज ये कतई नहीं माना जा सकता है कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिला जुला राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। रजत जी सुन लिया आपने सर? ये सुन लिया मैंने। अभी जिन्ना अभी अभी जिन्ना भी ये स्टैंड नहीं ले पाया है कि टू नेशन होने चाहिए। हाँ, अभी इकबाल इकबाल कह रहे हैं, अभी जिन्ना पूरा कन्विंस नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सन 1942 को जो सबसे शर्मनाक घटना है, सन 1942 में कानपुर के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, सन 1942 में ये वो समय है जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग गिरफ्तार हैं, लोग तिरंगा झंडा लेकर निकलते हैं, उनको गोली मार दी जाती है, सैकड़ों सैकड़ों को, ठीक है, सारा हिंदुस्तान बंद पड़ा है, कांग्रेस को आपने बैन कर दिया है, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी बैन कर दिया, 2 पार्टियां बैन में नहीं है, एक हिंदू महासभा और एक मुस्लिम लीग, और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर 3 जगह सरकारें चलाई, एक हिंदू राष्ट्रवादी है, एक मुसलमान राष्ट्रवादी है, सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक। और बंगाल के अंदर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने की जिम्मेदारी है। अब जरा उसको डिफेंड करते हुए सावरकर साहब ऐसा वीर, आरएसएस का ऐसा वीर के वीर की परिभाषा हमने बदल देनी चाहिए, वीर वो जो 7 माफीनामे लिखता है उसको वीर कहा जाएगा, ये इस देश को जान लेना चाहिए। व्यवहारिक राजनीति में भी हिंदू महासभा जानती है कि हमें बुद्धिमत समझौतों के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। हाल ही में सिंध की सच्चाई को देखें,
यहाँ सिंध हिंदू महासभा ने निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिली जुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। बंगाल का उदाहरण भी सबको पता है, उद्दंड लीगी अर्थात मुस्लिम लीगी जिन्हें कांग्रेस अपनी तमाम आत्मसमर्पणशीलता के बावजूद खुश नहीं रख सकी, हिंदू महासभा के साथ संपर्क में आने पर तर्कसंगत समझौतों और सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार हो गए। और वहां की मिलीजुली सरकार मिस्टर फजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व और महासभा के काबिल और मान्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदायों के फायदे के लिए एक साल तक सफलतापूर्वक चली। सुन लीजिए भाई साहब, ये हिंदू राष्ट्रवादी, ये इस किताब के पेज नंबर 73 पे लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है ना जी, और हिंदी में 59 और 60 पर। ठीक, ये जरूर पढ़ना चाहिए। आज मुसलमानों को गाली बकते हो, मुसलमान मुस्लिम लीग, अरे मुस्लिम लीग के दलाल तो आप हो, मुस्लिम लीग के सरकारें तो आपके पिताजी ने आपके बाप ने चलाई, हिंदुत्व के बाप ने चलाई, और मुसलमानों से बदला लोगे, मुसलमानों से। और उसके बाद आप सुनिए, सावरकर ने 15 अगस्त 1947 को जो बोला वो भी सुन लीजिए। ठीक, जिन्हा के राष्ट्रीय सिद्धांत से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, हम हिंदू लोग अपने आप में एक राष्ट्र हैं और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। उसके बाद आप सुनिए, 15 आरएसएस का जो अंग्रेजी का प्रवेश अंक है, जो मेडन इशू है, वो आता है 3 जुलाई 1947 को। ठीक, इस पे ऊपर एक बैनर, ऊपर बैनर के तौर पर एक एडिटोरियल है, हिंदुओं की धरती हिंदुस्तान में मुसलमान भी बराबरी के हिस्सेदार हैं और इस सिद्धांत को प्रचारित करते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो बेवकूफ है, वो कह रहे हैं। उसके बाद सुन लीजिए, 14 अगस्त 1947 का हम एक और तिरंगे झंडे को जलील करने का भी उस दिन उन्होंने लिखा। 14 अगस्त के दिन भारत की आजादी मनाने की तैयारी हो रही है, उस दिन एडिटोरियल में लिख रहा है आरएसएस, राष्ट्र, अंग्रेजी से हिंदी किया है मैंने, राष्ट्र की छद्म धाराओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए, बहुत सारे दिमागी भ्रम और वर्तमान एवं भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्य को स्वीकारें कि हिंदुस्तान, अच्छा ये फारसी का जो बड़ा खूबसूरत शब्द है हिंदुस्तान, उसको हिंदुस्तान कर देते हैं, हिंदुस्तान है ना, सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदू द्वारा हिंदू परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित किया जाना चाहिए। अब जरा ये 15 अगस्त को कह रहे हैं और बाबा साहब क्या कह रहे हैं, 14 अगस्त 1947 जी हाँ, 14 अगस्त 1947 एडिटोरियल है ऑर्गेनाइजर के अंदर। आपको चाहिए वो ओरिजिनल, वो मैं चाहता हूं कि आरएसएस वाले मेरे पर डिफेमेशन केस करें, करते नहीं है 40 साल से हैं, करते नहीं। अब उसके बाद आरएसएस, टू नेशन थ्योरी पर आरएसएस और हिंदुत्व की जो मिली भगत है, बाबा साहब क्या कह रहे हैं जरा उसको सुनिए। बाबा साहब ने अपनी किताब, ये जो अंक है उनका आठवां जो वॉल्यूम है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन जी 1990 में जो प्रिंट हुआ था, 1940 में सर, 1940 में, हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, यानी देखिए जरा बाबा साहब का काम देखिए, 23-24 मार्च को 40 को वो प्रस्ताव पास करते हैं, बाबा साहब एक लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, इकोनॉमी क्या होगी, डिफेंस क्या होगा, धर्म क्या होंगे, भाषा क्या होगी, हिंदू धर्म के ठेकेदार ऊंची जाति वाले क्या करेंगे, मुसलमान धर्म के ऊंची जाति वाले ठेकेदार क्या करेंगे, सबको नंगा करते हैं बाबा साहब, सबको नंगा करते हैं। लेकिन बाबा साहब क्या लिखते हैं जरा सुनिए, यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र प्रश्न पर श्री सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। रजत जी कौन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा, दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र। अच्छा एक और बात, फिर बाबा साहब एक और बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हो ये हिंदुओं का राष्ट्र है, मुसलमान राष्ट्र है, आप उनको दोगे नहीं और आप ये चाहते हो कि मुसलमान गुलाम बनकर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के अंदर में, तो वो तो रहेंगे नहीं। राइट, तो आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
सच्ची बात यह है कि टू नेशन थ्योरी के लिए अगर किसी से बदला लेना है, किसी के मुंह काले करने हैं, तो हिंदुत्ववादियों के करने हैं। और इसमें जो प्रमुख नाम जो आप ले रहे हैं वो शुरुआत से आप एक बार दोहरा दीजिए, जिसमें मुझे जो लाला लाजपत राव के पहले जो आपने कहा था वो नाम है, पहले भाई परमानंद, भाई परमानंद ठीक, लाला हरदयाल ठीक, लाला हरदयाल, और उससे पहले वो दो बंगाली दोस्त थे, एक उसमें नाना थे इनके अरविंदो के, अच्छा अरे भाई बासु साहब थे, तो वो जिन्होंने सबसे पहले कहा कि आर्यन देश है, ठीक 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 हाँ जी, तो और मुसलमानों के अंदर सर सैयद ये कह रहे हैं कि दो राष्ट्र हैं, हमारा राष्ट्र कैसे बचेगा। लेकिन मुसलमान तो ये कभी मांग कर ही नहीं सकते ना कि हिंदू को यहाँ से निकालो, वो तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मुसलमानों, सो कॉल मुसलमानों का राज खत्म हुआ, उनकी आबादी केवल 14% है, जो 1872-73 का जो है, जिसमें धर्म को पहली बार लेके गणना की जाती है, तो उसमें 14% है, 20% है, और आज 14% है, जो ये कह रहे हैं ना कि अगले 50 साल में मुसलमान दुगने हो जाएंगे, चारगुने हो जाएंगे, 1000 साल के मुसलमान राज में जब वो मुसलमान राज खत्म हुआ उनकी संख्या कितनी थी, 20% 20.5% ठीक, हिंदू जिसमें सिख शामिल थे 70.275 ठीक। अभी अभी जालकर डालकर देख लीजिए गूगल के अंदर, जो 1873-74 का जो सेंसस है पहला हिंदुस्तान का, ठीक जी ठीक ठीक। तो जी मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि ये सिर्फ मेरी जो जानकारी में अभी तक था कि तकरीबन जो जिन्ना ने जब टू नेशन थ्योरी कॉइन की उससे तकरीबन 3-4 साल पहले ही सावरकर ने टू नेशन थ्योरी कॉइन कर दी थी, लेकिन आज से जो बात करने के दौरान मुझे पता चला कि उससे पहले से ये सारी चीजें चलती आ रही थी बीच बीच पे अलग अलग लोगों ने, और ये सभी लोग हिंदुत्व की विचारधारा या ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग रहे थे। लाला लाजपत राय को भले ही आप चाहे कोई क्रांतिकारी समझता हो या नहीं समझता हो, लेकिन वो खुद भी आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे, हिंदू महासभा से ताल्लुक रखते थे। इससे पहले जो लाला हरदयाल हैं या उनके उनके उनसे पहले जो भाई परमानंद हैं, ये सारे ही हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उससे ताल्लुक रखते थे। और सावरकर ने जो किताब लिखी 1923 में हिंदुत्व, और जो 1939 के अंदर वी आर अवर नेशन वो डिफाइन लिखी, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ, वो मुसलमान इस देश के हिस्से नहीं है, लेकिन उन दोनों किताबों की खास बात बहुजनों को समझ लेनी चाहिए, वो दोनों किताबें बुद्धिज्म के खिलाफ हैं। उन दोनों किताबों का जो फोकल पॉइंट है वो ये है कि बुद्धिज्म ने आके यहाँ पर जातिवाद को खत्म कर दिया, उसकी वजह से हिंदू धर्म का विनाश हुआ, ठीक समझ लीजिए आप। हाँ। यानी वो हर चीज को एंटी मुसलमान जोड़ देते हैं, लेकिन उनका बहुत भयानक गेम है, बहुत भयानक गेम है। ठीक ठीक सर, मैं अगला एक हमारा प्रश्न है और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं चाहूंगा एक शॉर्ट में आप बता दीजिए कि ये जो नेशनल फ्लैग है हमारा, जो राष्ट्र ध्वज है, इसके पीछे आरएसएस कितना लॉयल रहे, या ये जो पूरे न सिर्फ आरएसएस में, आरएसएस के बाहर भी जो लोग हिंदुत्ववादी लोग थे, वो उनका क्या नजरिया रहा था भारत के राष्ट्र, वही जो मैं इससे पहले एपिसोड में भी कहा, इस एपिसोड में भी कहा, हाँ। कि झूठ बोलने के अंदर उनके बराबर कोई दुनिया में नहीं हो सकता है, ठीक, शैतान भी नहीं होगा उनके बराबर जितना, ये आपने किताब में लिखा भी है जी, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, अफवाह फैलाने वाला संगठन है, वो डिग्री देता है, वो डिलीट देता है आपको झूठ बचाने। और उसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, 2-3 फास्ट फास्ट उनके दस्तावेजों से, ठीक, दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होता है, और उसमें ये तय किया जाता है अगले साल हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और तिरंगे को हम सलाम करेंगे, ठीक ठीक है। अगले साल जब 1930 आता है और 26 जनवरी आने वाली है, तो उसे 5 दिन पहले हेडग्वार साहब, जो आरएसएस के चीफ हैं, वो अपनी शाखाओं को एक निर्देश आदेश देते हैं कि आपने नेशनल फ्लैग केसरिया को सलामी देनी है, ठीक समझ गए, नेशनल फ्लैग केसरिया को सलामी देनी, भगवा जो ध्वज है, कितना कितना मतलब देखिए, कितना चालाकी और कितने घटियापन से के नेशनल फ्लैग भगवा। अब आरएसएस का कैडर तो ये समझेगा कि शायद कांग्रेस ने भी इसी को भगवा माना है,
यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस से अलग कर रहे हैं, कांग्रेस जो कह रही है हम वो नहीं कर रहे हैं, पी गए उसको, पी गए उसको, है ना। अच्छा, उसके बाद 20 जुलाई 1947 को, मैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूँ, 20 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा भारत के संविधान सभा ने पास कर दिया। ठीक। और ये आरएसएस वालों को पता लग गया था, उससे 4 दिन पहले उन्होंने ऑर्गेनाइजर में जो लिखा, सुन लीजिए मैं उसका अंग्रेजी से हिंदी कर रहा हूँ, ठीक है सर। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा देश के सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य होना चाहिए, ये निरी बेवकूफी है। झंडा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और देश में केवल एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, जिसका लगातार चलने वाला 5000 साल का इतिहास है। अच्छा, आप देखिए मजे की बात देखिए, अब यहाँ 5000 साल पहले हिंदू धर्म का इतिहास कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान राम जो थे वो 1.5 लाख साल पहले थे, सावरकर बोल रहे हैं कि ये जो है हम 10,000 साल पहले हिंदू राष्ट्र शुरू हुआ था, तो ये आपस में तय नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी हम झंडे पर आ जाएं, हम अपने झंडे को इस तरह नहीं चुन सकते जैसे कि हम एक दर्जी को एक कमीज या कोट तैयार करने के लिए कहते हैं। इससे बताइए, इससे भी ज्यादा शर्मनाक अभी आप सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए, तिरंगा झंडा उसमें जो केसरिया है, उसमें जो सफेद है, उसमें जो हरा है जो नीला और उसके है। अंदर जो बीच में में जो चक्र है ना, वो आ रहा है फ्रेंच क्रांति से। लाल का मतलब क्या, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आजादी चाहते हैं। ग्रीन का मतलब क्या है, खुशहाली बराबरी। सफेद का मतलब है शांति। ठीक। और चक्र जो है अशोका का वो क्या है कि हम इंसाफ करेंगे। ठीक ठीक है, सत्यमेव जयते। इसको ये बंदे बोल रहे हैं, ये आरएसएस बोल रहा है कि वो जैसे दर्जी 3 रंग को जोड़ देता है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है। अच्छा, इसका एक और मैं एक और एनेक्डोट आपको बताना चाहता हूँ। गदरी बाबू का भी 3 रंग का झंडा था, तो आप जानते हैं ना कि करतार सिंह सराबा जो है, जो भगत सिंह जिनके फैन थे, भगत सिंह उनका फोटो रखते थे हमेशा, तो वो 18 साल के गिरफ्तार होकर लाए गए, और जज जो था अंग्रेज जज, समझाइए किसी बच्चे को कोई मिठाई विठाई दे के फंसा लिया इन्होंने गदरी बाबा ने, और इससे जरा मैं गदरी पार्टी का मजाक उड़वा दूं, कहा तेरे को पता है अंग्रेजी में बोला या हिंदी में कि ये तिरंगा झंडे की बात कर रहे हो और ये कर रहे हो, गदरी जानते हो क्या मतलब है? आप जानते हैं क्या कहा उन्होंने, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये मुक्ति का झंडा है, ये बराबरी का झंडा है, ये खुशहाली का झंडा है। जो 18 साल का शहीद जानता था, ये जलील लोग नहीं जानते थे ये क्या लिख रहे थे। और सबसे शर्मनाक माफ कीजिए, 14 अगस्त 1947 तिरंगे झंडे के बारे में जो कहा, जरा सुन लीजिए, अंग्रेजी का है, मैं हिंदी पढ़कर सुना रहा हूं। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा आंकड़ा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा भाई, कोई बंदा ये कह सकता है, आरएसएस वाले मेरे साथ बहस में बोलते हैं, अरे यार ये तो उन्होंने 47 से पहले कह दिया था, अभी तो देश आजाद होना था, है ना, और ये तो पहले क्या कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरएसएस का जो ये गुरु ऑफ हेट है, इसकी किताब है बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत, सब भाषाओं के अंदर है ना। 1966 में उसका पहला आया, अभी तो उसका 4th-5th edition आ चुका है, समझ गए भाई साहब। उसमें लिखा है, उसमें एक चैप्टर है पतन ही पतन। मैं बात खत्म, पतन ही पतन। कौन कह सकता है कि ये शुद्ध तथा स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण है? ये तो केवल एक राजनीति की जोड़ तोड़ थी, लेकिन केवल राजनीतिक काम चलाओ तत्कालिक उपाय था, यानी ये भारत के तिरंगे झंडे के बारे में जो बोला जा रहा है। हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है, जो हमारे लिए परमेश्वर स्वरूप है, इसलिए इसी परम वंदनीय ध्वज को हमने अपने गुरु स्थान में रखना उचित समझा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा। ये मुसलमानों के संस्थाओं पर जाके तिरंगा झंडा लहराना चाहते,
उनको कहते तुम तिरंगा झंडा लेकर आओ, और ये अब दलितों को मारने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए तिरंगा झंडा उठाते हैं। जो तिरंगे झंडे से नफरत करते हैं वो दलितों और मुसलमानों को और भारत की, भारत का जो इगेलिटेरियन संविधान है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने तिरंगा झंडा उठाया हो। तो आज ये तो सर अपने 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 मंसूबों में ये लोग तो कामयाब है ना। आज की डेट में तिरंगा झंडा देख के जहां पर एक वक्त था कि फक्र होता था, अब डर लगता है कि अगर तिरंगा लेके कोई भीड़ निकल रही है तो वहां पर क्या कैसा माहौल होगा। हाँ, मतलब बेकसूर मारे जाएंगे। हाँ, तिरंगे को इन्होंने बदनाम कर दिया, तिरंगे को इनको बदनाम। अंकिता बच्ची को जहाँ वो रेप करना चाहते थे और उसे रेप के लिए उसको ऑफर करना चाहते थे, वो जो आरएसएस बीजेपी से जुड़ा हुआ जो होटल था उस पर भी तिरंगा झंडा लहरा रहा था। तिरंगे को इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बदनाम कर दिया। एक मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि जो बुद्ध धर्म है उसमें त्रिरत्न का एक बहुत ही विशेष महत्व है। ये जो तीन, क्या बात है, तीन चीजों से जो इनको, या तीन नंबर से या तीन संख्या से जो इनका अच्छा, विरोध ये कारण है, ये वो कारण है इसका कि जो आप देखिएगा सांची का स्तूप जो है उसमें ऊपर ही त्रिरत्न बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको बहुत बहुत विशेष ये चिन्ह है बुद्धिज्म अच्छा। में त्रिरत्न का, तो उसके खिलाफ ये मुझे लगता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना समय दिया, बहुत ही विस्तार से आपने सारी चीजों पर आपने ध्यान आकर्षित किया हम सभी का। ये किताब हिंदी, बंगला, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश सभी भाषाओं में ये किताब अवेलेबल है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस किताब को आप पढ़िए, आप खरीदिए। आप अमेजोन से मंगवाना चाहें तो अमेजोन से मंगवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो इसका जो प्रकाशन हाउस है आप वहां से भी मंगवा सकते हैं। फोरस मीडिया एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया है। किसी पोर्टल से मंगाएंगे तो काफी किराया वगैरह लेते हैं ये। देखिए आप, हाँ, और वो रजत आपको अगर एड्रेस और वगैरह वो भेजेंगे तो वो मैं इंतजाम करा सकता हूँ। वो एक्टिविस्ट और उनको वो बहुत ध्यान करते हैं। ठीक है सर। और मैंने आपको लिंक भेजा है उनका, तो वो उस लिंक पे जो किताब चूज करें आपको बता दें, या मेरा ईमेल दे दें, मुझे लिख दें, मैं किताब डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम सभी को, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, शुक्रिया आप सभी का।